नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ह्यूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। यहाँ पे सारी डिटेल्स अब आ चुकी है, तो इस वीडियो के अंदर इन डिटेल के अंदर देखेंगे सारी डिटेल्स यहाँ पे आरएचपी में क्या क्या चीज़ें बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पे जीएमपी के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे और भी कई सारी चीज़ें रहेंगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स पता चल सके। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी यहाँ पे 1996 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी और इसका जो पेरेंट कंपनी है वो ह्यूंडई मोटर ग्रुप है, जो एक साउथ कोरिया की कंपनी है। अगर इसकी सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क के बारे में बात की जाए तो 1366 सेल्स पॉइंट अक्रॉस इंडिया यहाँ पे इनकी सेल्स एंड सर्विस है और यहाँ पे 1550 इनके सर्विस पॉइंट नेशन वाइड यहाँ पे अवेलेबल है। सेल्स फिगर की अगर यहाँ पे बात की जाए तो 1.2 करोड़ पैसेंजर व्हीकल ये लोग अभी तक सेल कर चुके हैं इन इंडिया और थ्रू एक्सपोर्ट, यानी 1.2 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल ये लोग ने सेल कर चुके हैं एज ऑफ 31 मार्च 2024। इसके अलावा अगर इनके व्हीकल के रेंज के बारे में बात की जाए तो इनके पास यहाँ पे सीडान, हैचबैक्स, SUV और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब टाइप के पैसेंजर व्हीकल इनके पास अवेलेबल है। सीडान के अंदर ग्रैंड i10, नियोस, ओरा, इलांट्रा और वर्ना इनके पास अवेलेबल है। हैचबैक के अंदर इनके पास i20 मॉडल है। SUV के अंदर इनके पास वेन्यू, क्रेटा और अल्कार्जा और टुक्सोन जैसे मॉडल है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी इनके पास आयोनिक 5 अवेलेबल है। अगर बात की जाए इनके डीलरशिप और पार्टनरशिप के बारे में तो इनका 363 डीलर के साथ इनका कोलाब्रेशन है, जिससे वो डिस्ट्रीब्यूशन करते ऑल ओवर इंडिया के अंदर एज ऑफ 31 दिसंबर 2023। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर बात की जाए तो चेन्नई के अंदर इनका प्लांट अवेलेबल है, जहाँ पे फुल रेंज ऑफ व्हीकल वहाँ पे उनका बनता है। अगर एक्सपोर्ट मार्केट की बात की जाए तो ये लोग अफ्रीका, मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में ये अपने एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमने देखा बेसिक डिटेल्स ऑफ कंपनी के बारे में। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। आईपीओ के डिटेल्स की अगर यहाँ पे बात करें तो आईपीओ जो स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें फेस वैल्यू की तो ₹10 की इसकी फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड जो वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, 1900 से लेके 1960 पर शेयर तक यहाँ पे प्राइस बैंड रहेगा। और अभी मार्केट सिचुएशन जो ख़राब चल रही है, अभी सब एस्टिमेट कर रहे थे यहाँ पे कम प्राइस होगा कि ज़्यादा प्राइस होगा, पर यहाँ पे काफ़ी हायर प्राइस बैंड पे लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं। 1900 से 1960 के बीच में इनका प्राइस बैंड रहने वाला है और फिलहाल में यहाँ पे मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, तो अब देखते हैं टाइम में इसको किस रीत का रिस्पॉन्स मिलता है, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 7 शेयर का लॉट साइज रहने वाला है और टोटल इश्यू जो होगा वो काफी ज्यादा बड़ा रहने वाला है। जो स्पेकुलेशन चल रही थी वो 25,000 करोड़ की चल रही थी, पर यहाँ पे 27,870 करोड़ का ये आईपीओ में देखने मिलेगा, यानी इंडियन हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ में देखने मिलेगा। और ये टोटल के टोटल ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, यानी जो पैसा है यहाँ पे ह्यूंडई मोटर ग्रुप को मिलेगा, साउथ कोरिया की जो ह्यूंडई मोटर की जो उसकी पेरेंट कंपनी है उनको यहाँ पे पैसा जाएगा, यहाँ पे कोई भी पैसा कंपनी को नहीं जाएगा। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और साथ में यहाँ पे 1960 का यहाँ पे प्राइस बैंड रखा है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा जब इसको सब्सक्रिप्शन किस चीज़ का मिलता है, इसको एंग इन्वेस्टर में कौन कौन आते हैं वो सब देखने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और रिटेल की तरफ से भी सब्सक्रिप्शन किस रीत का रहेगा वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे बात करें टाइमलाइन के बारे में तो यहाँ पे आईपीओ 15 अक्टूबर को ओपन होगा और 17 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट यहाँ पे 18 अक्टूबर को में होते हुए देखने मिलेगी। इनिशियल रिफंड यहाँ पे 21 अक्टूबर को देखने मिलेगा और इसके जो लिस्टिंग है वो हमें यहाँ पे 22 अक्टूबर को होते हुए देखने मिलेगी, यानी 22 अक्टूबर को ये आईपीओ में लिस्ट होते हुए देखने मिलेगा। तो दिवाली से पहले आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें आईपीओ के लॉट साइज के बारे में तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिटेल के एक लॉट के लिए आपको 7 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी 13,720 मिनिमम अमाउंट रहने वाली है जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर रिटेल में मैक्सिमम जाए तो 14 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। 98 शेयर से इसके अंदर आपको 1,92,080 रुपीस की बिड लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो फिर सबको यहाँ पे मिनिमम बिड लगाए वही अच्छा, क्योंकि मिनिमम बिड पे लगाएंगे या फिर मैक्सिमम बिड लगाएंगे, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ तो सबको यहाँ पे सिर्फ एक लॉट ही दिया जाएगा। अगर एसएचएनआई में बात की जाए तो मिनिमम है 15 लॉट रहने वाले जिसके अंदर 2,05,800 रुपये
के अमाउंट के लिए बिड करना पड़ेगा। ऐसे चैनल में मैक्सिमम यहाँ पे 72 लॉट रहने वाले हैं, जिसके अंदर 9,87,840 अमाउंट के लिए बिड करना पड़ेगा। अगर BHNI की बात कीजिए यानी 10 लाख से ऊपर की बिड, तो वहाँ पे 73 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पे 10,01,560 रुपये के अमाउंट के लिए बिड लगानी पड़ेगी। ये काफ़ी बड़ी साइज का इशू रहने वाला है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम देखने मिलेगा, पर यहाँ पे जो अमाउंट वाइज होगा वो ज़्यादा देखने मिलेगा। क्योंकि अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे फाइनेंशियल के बारे में, तो फाइनेंशियल के यहाँ पे देख सकते हैं 2022 से लेकर 2024 का डेटा अवेलेबल है, जहाँ पे एसेट रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिजर्व सरप्लस और टोटल बोरिंग का डेटा यहाँ पे अवेलेबल। 2022 के अंदर इनके जो एसेट थे वो 28,358 करोड़ के थे, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़कर 34,573 करोड़ के हो गए। फिर यहाँ पे 31 मार्च 2024 में यहाँ पे हमें कम होते देखने मिले और 26,349 करोड़ के एसेट हो गए, और फिलहाल में इनके एसेट जो चल रहे हैं 25,370 करोड़ के फिलहाल इनके पास एसेट्स अवेलेबल है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 47,966 करोड़ का रेवेन्यू ने किया था 2022 के अंदर, जो यहां पे बढ़कर 61,436 करोड़ हो गया। फिर यहां पे और बढ़कर यहां पे 71,302 करोड़ होते हुए देखने मिला। और यहां पे अगर बात की जाए फर्स्ट क्वार्टर के बारे में, अप्रैल मई और जून के बारे में, तो यहां पे 17,567 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू 3 मंथ के अंदर कर लिया है। अगर यहां पे बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो 2901 करोड़ का यहाँ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने मिला, 4709 करोड़ का फिर बाद में 2023 में इनका प्रॉफिट हो गया। इसके बाद यहाँ पे 6000 करोड़ का फिलहाल में हमें प्रॉफिट देखने मिल रहा है। और अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात की जाए 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की, तो 1490 करोड़ का इन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट कर दिया है। तो देखते हैं अगले टाइम में इनका किस रीत का परफॉर्मेंस रहता है। फिलहाल में यहाँ पे परफॉर्मेंस तो फाइनेंशियल वाइज तो अच्छा ही लग रहा है। रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो 16000 करोड़ का था, जो यहाँ पे बढ़कर 19000 करोड़ का हो गया। फिर यहाँ पे कम होकर 9853 करोड़ का होते हुए देखने मिला, और रिजर्व सरप्लस फिलहाल में 11,336 करोड़ के फिलहाल में हमें देखने मिल रहे हैं। अगर टोटल बोरिंग की बात की जाए तो 1140 करोड़ की इनकी बोरिंग थी, जो यहाँ पर बढ़कर 1158 करोड़ हो गई, और फिर यहाँ पर कम होकर 767.92 करोड़ होते देखने मिली। फिलहाल में इनका जो टोटल बोरिंग है वो यहाँ पे 758 करोड़ पे स्टैंड कर रहा है। ये देखिए हमने फाइनेंशियल के बारे में, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं IPO के रिजर्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं QIB के अंदर यहाँ पे 50% का लोकेशन रहने वाला है, रिटेल के अंदर यहाँ पे 35% का लोकेशन, और NII के अंदर यहाँ पे 15% का अलोकेशन हमें देखने मिलेगा। यानी एज यूजल जो नॉर्मल अलोकेशन होता है वही यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे कोई भी टाइप का शेयर होल्डर कोटा नहीं रहने वाला। अगर यहाँ पे बात की जाए ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर के बारे में, तो ये कंपनी यहाँ पे टोटल के टोटल ऑफर फॉर सेल है, यानी कुछ भी अमाउंट का यहाँ पे फ्रेश इशू नहीं, यानी टोटल पैसा यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर को जाएगा, कंपनी की तरफ कुछ भी पैसा नहीं जाने वाला। अगर यहाँ पे बात करें IPO के रजिस्ट्रार के बारे में, तो KFin टेक्नोलॉजी इसका यहाँ पे रजिस्ट्रार रहने वाला है, जो यहाँ पे अलॉटमेंट की प्रोसेस, रिफंड की प्रोसेस हमें संभालते हुए देखने मिलेंगे। अब अगर यहाँ पे बात करें GMP की, तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा निराशा देखने मिल रही है। Hyundai से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी लोगों की, यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO रहने वाला था, सबको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, पर फिलहाल में जो GMP चल रहा है काफ़ी कम हमें GMP देखने मिल रहा है। हम पिछले कई टाइम से यहाँ पे रोज़ कवर कर रहे हैं यहाँ पे GMP, हमने 560 से यहाँ पे GMP कवर करना शुरू किया था, और कल हमने यहाँ पे 250 तक यहाँ पे GMP देखा था, जो यहाँ पे कम होकर और भी ज़्यादा कम हो चुका है, और GMP सिर्फ 150 रुपीज़ बचते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पे प्राइस बैंड आने के बाद GMP में काफ़ी ज़्यादा हमें और गिरावट आते हुए देखने मिली, क्योंकि 1960 का प्राइस बैंड रखा है, यहाँ पे थोड़ी उम्मीद थी कि 1500 के आसपास अगर प्राइस बैंड लेके आ जाए या 1000 के प्राइस बैंड आसपास लेके आ जाए तो शायद थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता, पर फिलहाल में यहाँ पे 1960 यहाँ पे प्राइस बैंड फिक्स हो चुकी है और डेट भी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, और GMP यहाँ पे सिर्फ 150 रुपीज़ बचे हुए हमें देखना मिल रहा है। यहाँ पे अक्टूबर की फर्स्ट वीक के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने मिली, और अभी देखते हैं यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रहती है 15 अक्टूबर तक, यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन किस रीत की रहेगी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन IPO में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा असर करती है। उसके बेस पे लिस्टिंग भी यहाँ पे कई बार डिसाइड होती है, कई बार अच्छे IPO भी यहाँ पे नेगेटिव एनवायरमेंट में, माइनस में लिस्टिंग हो जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे Hyundai के साथ क्या होता है, अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा IPO रहने वाला है, काफ़ी लोग को यहाँ पे अलॉटमेंट मिल सकती है, अगर यहाँ पे अच्छा अप्लाई हुआ,
अगर यहाँ पे अच्छा GMP हुआ, अच्छा मार्केट सिचुएशन हुआ तो फिर ठीक है, वरना यहाँ पे देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। जो भी होगा हम आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट कर देंगे। फिलहाल में यहाँ पे सिर्फ 7.65% का GMP हमें देखने मिल रहा है, और वो भी अभी देखना पड़ेगा ये सस्टेन होता है कि नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा GMP था, 30-40% GMP से यहाँ पे कम होके अभी यहाँ पे सिर्फ 7.65% GMP बचा है। और इसके ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या इनको यहाँ पे 1960 प्राइस पे लेके आना चाहिए था, या फिर कौन सी प्राइस पे इनको IPO लेके आना चाहिए था, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका जो भी ओपिनियन होगा हम जरूर जानना चाहेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।